Hello friends, brother and sister, welcome on my YouTube channel Success Mantra by Suman Saket Mantras of Modern Education. Uh, through this video session, I am presenting in front of you with uh, 29th May top current headlines, which is taken from different sources like DD News, All India Radio, The Hindu, Economic Times, Indian Express, etc. So don't forget to watching this video uh, because in this video uh, we include different types of uh, top current headlines. विथ स्टैटिक पॉइंट एज वेल सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू की आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें uh, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे इसके लिए आपको YouTube पर जाना है और वहाँ टाइप करना है सक्सेस मंत्रा भाई सुमन साकेत और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है चलिए तो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को व्यतीत किए हुए आ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज के हम कोर्ट ऑफ द डे को देख लेते हैं कि आखिर आज हमारा मोटिवेशन कोर्ट कौन सा है द की द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स अगर आपको सक्सेस पाना है अगर आपको कामयाबी पानी है आपको अगर जीवन में सफल होना है तो केवल और केवल आपको फोकस करना है अपने लक्ष्य के ऊपर ना कि उनमें आ रही बाधाओं के ऊपर आपको फोकस करना है तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको सफलता पानी है आपको जीवन में अच्छा बनना है तो आपको केवल और केवल अपने गोल की तरफ ध्यान रखना है आपकी आपका जो ध्यान है वो आपके गोल की तरफ ही होना चाहिए चलिए इस इस ब्यूटीफुल कोड के साथ हम अपने हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला हेडलाइंस हमारा कौन सा है आ, पहला जो हेडलाइन है वो है गवर्नमेंट विदड्रो 7.75 परसेंट सेविंग बॉन्ड स्कीम ड्यू टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स जो है डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट के कम होने के कारण जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने सेवन सेविंग बॉन्ड को है जो Uh, को जो है वो विद्रॉ कर लिया है अब जानते हैं कि आखिर ये बॉन्ड uh, है क्या ये एक तरह का बॉन्ड है जो कि बैंक uh, में जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप बॉन्ड को परचेज करते हैं और जैसी फैसिलिटी आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलती है कहीं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको इसके इस बॉन्ड के थ्रू uh, मिलती है 7.75 परसेंट सेविंग बॉन्ड स्कीम वाज़ पॉपुलर एमॉन्ग रिटेल इन्वेस्टर्स ये जो सेविंग uh, बॉन्ड है वो पॉपुलर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर uh, से ज़्यादा है फ्टी ऑफ प्रिंसिपल रेगुलर इनकम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेगुलर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआरआई विल नॉट एलिजिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस बॉन्ड इसमें जो है एनआरआई uh, वास्तव में वो एलिजिबल नहीं होते हैं हाइवर इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड इज़ टैक्सेबल बिकॉज जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है वो क्या होता है टैक्सेबल होता है अगर मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लूँ तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935 को अभी जो हमारे करेंट गवर्नर हैं आर के उनका नाम है शक्तिकांता दास आपको पता है कि गवर्नर के साथ आर में चार और जो है वो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं उनके नाम को भी हम जान लेते हैं पहले जो है वो बिभू प्रसाद कानूनगो मुकेश कुमार जैन माइकल देवबत्ता देवव्रत पात्रा एंड वन इज टू बी अपॉइंटेड कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें तीन जो है डिप्टी गवर्नर कार्यरत हैं और एक का जो है पद वो खाली है Uh, अगर मैं फिर से बात कर लूँ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड की तो द सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर कैन ई एज एन इन्वेस्टमेंट विथ ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सेविंग uh, टैक्सेबल बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जारी करती है इन्वेस्टर के लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए uh, जिसमें उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होता है पॉपुलरली नोन एज आर बॉन्ड्स और जी ओ आई बॉन्ड्स पॉपुलरली uh, जो है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका uh, नाम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है दे शूट एनी वन लुकिंग फॉर हाइय सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड ए रेगुलर इनकम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेगुलर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है एन आर आईज हाउर आर नॉट एलिजिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस बॉन्ड एन आर आई जो है इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो ये हमारा पहला हेडलाइन था चलते हैं अपने आ, अगले हेडलाइन की तरफ अगला हेडलाइन जो है वो है आ, हमारे एक इंस्टीट्यूशन से सी आई पी ई टी री नेम्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सी आई पी ई टी इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है अब इसका नाम जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होगा uh, अगर मैं सी आई पी टी की बात करूं तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन uh, है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के uh, अंदर काम करती है uh, अगर मैं सी आई पी टी की बात करूं तो इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं एस के नायक हैं हेड क्वार्टर जो है गुंजी uh, चेन्नई तमिलनाडु में है चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ आपको कैसा शो लग रहा है इसके इसका जो सजेशन है इसके जो जो भी आपको इसमें अच्छा लग रहा है उसको आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जो है आ, वो करके आप बता सकते हैं जिससे मेरा आ, और मैं जो हूँ और भी बेहतर आप लोगों के लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आ, इस वीडियो के लिए अपने सजेशन को अवश्य और अवश्य दें। अगले हेडलाइंस की तरफ आते हैं अगला हेडलाइंस जो है वो है सिक्स सेवेंटी टू मिलियन चिल्ड्रन विल बी ट्रैप्ड इन टू पॉवर्टी बाय द एंड ऑफ 2020 ड्यू टू कोविड 19 इंपैक्ट ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दिया है रिपोर्ट का नाम जो है वो है चिल्ड्रेन इन मोनेट्रीपुअ हाउस होल्ड एंड कोविड नाइनटीन टेक्निकल नोट इस नोट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि 2020 तक जो है वो 672 मिलियन चिल्ड्रेन जो है वो पोवर्टी पोवर्टी के लिए ट्रैप किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट चिल्ड्रेन इन मॉनेटरी पुअर हाउस होल्ड एंड कोविड नाइन्टीन टेक्निकल नोट रिलीज ज्वाइंटली बाई द यूनिसेफ एंड सेव द चिल्ड्रेन द इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय कोरोना वायरस एपिडेमिक मे इंक्रीज द मे इंक्रीज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन पुअर हाउस होल्ड इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज बाय 86 मिलियन रिच एटी सिक्स मिलियन टू रीच सिक्स सेवेंटी टू मिलियन बाई द एंड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी तक जो है इसके बढ़ने के आसार हैं और इसका जो संख्या हो सकता है वो सिक्स सेवेंटी टू मिलियन हो सकता है इसका जो है रिपोर्ट uh, दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा यूनिसेफ है और दूसरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अभी हाल फिलहाल में जो यूनिसेफ uh, ने यूनिसेफ uh, uh, ने जो है पोवर्टी के लिए ट्रैप चिल्ड्रन के प्रोवर्टी के लिए जो ट्रैप रिपोर्ट जारी किया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है चिल्ड्रेन इन पोवर्टी पुअर हाउस होल्ड एंड कोविड नोट और इसको जारी करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से हैं तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्टेड जो इससे इफेक्टेड होने वाले चिल्ड्रेन है वो अप्रोक्स टू जीरो टू जीरो के अंत तक आ, कितनी संख्या में होंगे तो उसका आंसर जो होगा वो 672 मिलियन होगा आ, आगे हम चलते हैं और यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैनरीटा हैं हैं, हैं फोर हैं आगे हम बात कर लेते हैं सेव द चिल्ड्रेन क्वार्टर जो है इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है आगे चलते हैं अभी हाल फिलहाल में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया जो है वो आपस में एक लोन को साइन किया है जिसका अमाउंट जो है वो यूएस डॉलर 177 मिलियन डॉलर का है Uh, जिसको बेसिकली uh, जो uh, जो साइन किया गया है वो बेसिकली रोड इंप्रूवमेंट के लिए किया गया है जो कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए होगा द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन यू एस डी वन सेवन सेवन मिलियन लोन टू अपग्रेड 11 स्टेट हाईवे 450 किलोमीटर टू टू लेन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्रॉस सेवन डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र महाराष्ट्र के uh, 450 किलोमीटर uh, के रोड को जो है अपग्रेड करने के लिए यूएस सॉरी एडीबी के साथ जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लोन uh, साइन किया है जिसका अमाउंट कितना है वन मिलियन यू डॉलर आगे चलते हैं जानते हैं कि एडीबी एडीबी का जो हेड क्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट जो है मा, माशात शुगु आशकावा हैं आगे चलते हैं आ, अपने आ, इंडिया के ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट फाइव परसेंट इन ईयर ट्वेंटी वन एस एन पी ग्लोबल रेटिंग एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग का कहना है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो फिनेंशियल ट्वेंटी वन के लिए uh, जो है वो फाइव परसेंट uh, के आसपास होने वाला है एस एन पी ग्लोबल रेटिंग प्रीवियसली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एजेंसी है हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो करंट फिजिकल ईयर टू वन टू जीरो टू जीरो बाय फाइव परसेंट फ्रॉम वन पॉइंट एट परसेंट वन पॉइंट एट परसेंट से बढ़कर जो है वो 5 परसेंट तक होने वाला है ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट किया है ड्यू टू द लॉकडाउन इम्पोज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोना वायरस विफेक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री ये जो कमी आई है वो बेसिकली uh, इनका मानना है कि कोरोना वायरस का जो ए पैंडेमिक वायरस के तौर पे स्प्रेड uh, हुआ है इसके चलते जो है इसमें कमी आई है अर्लियर दिस वीक रेटिंग एजेंसी फिच एंड क्रिश इल्सो फॉरकास्ट निगेटिव ग्रोथ ऑफ फाइव परसेंट इन द इंडियन इकोनॉमी अभी इससे पहले पिछले वीक में जो रेटिंग एजेंसी फीच और क्रिशिल है उन्होंने ऐसा बताया कि पांच परसेंट से इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो कम होने वाला है आगे चलते हैं एस पी ग्लोबल रेटिंग की बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क यूएस में है और प्रेसिडेंट जो है वो जॉन बैरिशफोर्ड है आगे चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ एच आई एल एच आई एल हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड

25 फाइव uh, मीट्रिक टन uh, मैलाथियोन टेक्निकल टू तो, ईरान uh, को जो है वो प्रोवाइड कराएगा uh, वो बेसिकली इस पेस्टिसाइड को इसलिए प्रोवाइड करेगा क्योंकि लोकस्ट का जो है वहाँ पे uh, काफी हंगामा हो रहा है लोकस्ट uh, वास्तव में एक तरह का जिसको हम uh, हिंदी में अगर बात करें तो टिड्डा बोलते हैं उसका जो uh, uh, जो uh, जो क्या बोलें uh, अगर, उसका जो है अटैक uh, अभी ज्यादा हो रहा है उससे बेसिकली uh, पार पाने के लिए जो है ईरान uh, गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जो है ये 25 फाइव मीट्रिक टन मैलाथियोन टेक्निकल जो है वो प्रोवाइड कराया गया है अगर मैं लोकस्ट की बात करूं तो लोकस्ट हैव एन एबिलिटी टू फॉर्म इन टू डेंस एग्रीगेशन ये एक ऐसा ऐसा कहले जीव है जो काफ़ी डेंस एग्रीगेशन के साथ आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ ये जो है वो फसलों को भी नुकसान कर रहा है एज ए रिजल्ट कॉर्डिनेटेड कंट्रोल प्रोग्राम और नीडेड टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन फार्मिक फ्रॉम दोर्स ऑफ द लोकस्ट इससे निपटने के लिए जो है कंट्रोल प्रोग्राम्स को जो है चलाया जा रहा है और उसको मिनिमाइज करने के लिए ये कदम उठाया गया है अगर मैं बात कर लू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तो यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो वी मुरलीधरन कंस्टिट्यूएंसी इनका वराकारा केरला है आगे चलते हैं अगले हेडलाइन की तरफ अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे एनडीवी के प्रेसिडेंट जो थे उनको चेंज किया गया है अभी एनडीबी के प्रेसिडेंट आपको पता होगा के वी कामत थे बट उनके बदले अभी ब्राजील के मैक्रोस पार्डोजो त्रो, इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी तो मैक्रोस पार्डो पार्डो प्रादो मैक्रोस प्रादो थ्रो यूजो विल सक्सीड एमिनेंट इंडियन बैंक के वी कामत हु टोक ओवर एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक इन टू थाउजेंड फिफ्टीन जब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था तब से अभी तक ये जो है प्रेसिडेंट थे निर्मला सीतारमन एटेंड स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग ऑफ एनडीबी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस निर्मला सीतारमन में ने भी इस एन डी बी के बोर्ड में शामिल होकर इस मीटिंग में शामिल होकर जहां पे अभी जो है हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के उसमें भाग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर मैं बात करूं एनडीबी की तो इट इज ए मल्टी डेवलपमेंट बैंक स्टेब्लिश्ड बाई द ब्रिक्स स्टेट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स नेशन और ब्रिक्स स्टेट को मिलकर के बना है जिसका मेन जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करना है फॉर्मेशन जो हुआ था वो 2015 में हुआ था हेड क्वार्टर जो है इसका संगाई चाइना और मेम्बरशिप जो है इसमें

उसके उसके लिए आपका आंसर जो होगा वो यूएसडी वन बिलियन होगा आगे चलते हैं सिंस इट्स इंसेप्शन एन डी बी हैज अप्रूव फिफ्टी फाइव ऑफ मेंबर कंट्रीज फॉर एन अमाउंट ऑफ सिक्सटी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर विच इज क्वाइट रिमार्केबल अचीवमेंट अभी तक एन डी बी एन डी बी ने जो है वो फिफ्टी फाइव प्रोजेक्ट के लिए मेंबर कंट्रीज को सिक्सटीन पॉइंट सिक्स बिलियन लोन को जो है वो प्रोवाइड कर चुका है आगे चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ आई ओ सी नरेंद्र बत्रा एज मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन अभी आपको पता होगा कि हमारे नरेंद्र बत्रा साहब जो हैं वो इंडियन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं इसके साथ साथ वो जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी हेड हैं अगर मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लू तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसियाने स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट जो है वो थॉमस बैक हैं जोमेटो एलिवेट्स फूड डिलीवरी सीईओ मोहित गुप्ता एज को फाउंडर जोमैटो ने जो है वो सीईओ मोहित गुप्ता को को फाउंडर के लिए एलिवेट किया है दीपेंद्र गोयल फाउंडर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म जोमैटो हैज जो है वर्चुअली अपॉइंटेड मोहित गुप्ता द सीईओ ऑफ इट्स फूल डिलीवरी फाउंडर अभी जो है हमारे को फाउंडर सॉरी सीईओ थे मोहित गुप्ता जिनको एलिवेट कर uh, जोमैटो का जो है को फाउंडर बनाया गया है जोमेटो के हेडक्वार्टर की बात कर लू तो जोमैटो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है फाउंडर जो है वो देपेंदर गोयल और पंकज चड्ढा है Uh, आगे चलते हैं अगले हेडलाइन की तरफ अगला हेडलाइन जो है आई ए एफ ऑपरेशनलाइजेंड नंबर एटीन फ्लाइंग बुलेट बुलेट्स विद द बुलेट विदा एम के वन फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस अभी जो है इंडियन एयरफोर्स ने एक, uh, एक जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजा एम के वन उसको जो है वो बेसिकली ऑपरेशन में लिया है The Indian uh, Air Force operationalized Second Squadron Number 18 Flying Bullet, equipped with light combat aircraft Teja MK1 1 uh, Final operation clearance at uh, its Sullur Air Force Station in Coimbatore. So, तो यहाँ से उसने जो है वो operation शुरू किया है और जो हमारा squadron है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है Teja Mk-1. Uh, तेजा एम के वन अगर मैं ए डी ए की बात कर लू जिसका फुल फॉर्म होता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये वास्तव में एक सोसाइटी है जो कि डी डी ओ के अंदर काम करने वाली आ, काम करने वाली जो है एजेंसी है और सोसाइटी है डीआरडीओ का हेड क्वार्टर का वो न्यू दिल्ली में है चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं इनकी कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश है आगे चलते हैं वर्ल्ड हंगर डे जो कि हर साल ट्वेंटी एट ऑफ मे को ऑब्जर्व किया जाता है इसके बारे में जानते हैं वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मे ट्वेंटी एट ग्लोबली the objective of this day is to raise awareness about more than 820 million people living in chronic hunger worldwide uh, iska main focus jo hota hai wo uh, wo jo hai uh, wo vishwa bhar mein अवेयरनेस uh, को फैलाना होता है ऑब्जेक्टिव को फैलाना होता है कि वास्तव में वर्ल्ड हंगर डे का ऑब्जेक्टिव uh, क्या है द रे रेस सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू हंगर एंड पोवर्टी एंड टू इंस्पायर एवरी वन एवरी वन टू बी ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बेसिकली इसके सॉल्यूशन की बात यहाँ पे की जाती है और इसके uh, इस uh, इससे बचने के क्या उपाय हैं उसके बारे में बात की जाती है वर्ल्ड हंगर डे इज एन इनिशिएटिव बाई द हंगर प्रोजेक्ट ये जो वर्ल्ड हंगर डे है वो जो ऑब्जर्व किया जाता है वो द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है दिन द ईयर 2011 इसको जो है स्टार्ट किया गया था 2011 से जो अब तक और अभी तक इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है दिस ईयर मार्क्स द टेंथ एनुअल ते वर्ल्ड हंगर डे टू टुक टू लुक एट हंगर एस वॉल ये जो हमारा 2020 है ये इसका दसवां साल है हेडक्वार्टर की बात करूँ हंगर प्रोजेक्ट की तो इसका हेडक्वाटर न्यूयॉर्क यू में है चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ लद्दाख इनोग्रेट द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल कारगिल में जो है लद्दाख के कारगिल में फर्स्ट सोलर प्लांट को जो है फॉर इरिगेशन के लिए इनोग्रेट किया गया लद्दाख डायरेक्टर ऑफ एनिमल सीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज मोहम्मद रजा इनागरेटेड द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल विद फाइव किलोवॉट सोलर तो प्लांट एंड थ्री हॉर्स पावर सब मर्सिबल पम्प जो है उसके लिए किया गया है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में पहला सोलर इरिगेशन प्लांट कहाँ जो है वो इनोग्रेट किया गया तो आंसर जो होगा वो होगा आपका लद्दाख अगर बात कर ली जाए कि लद्दाख जो है वहां पे लद्दाख के किस किस क्षेत्र में तो कारगिल क्षेत्र में जो है ये इनोग्रेशन हुआ है बात कर लो के आर ई डी ए की कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की तो इसका हेड क्वार्टर लद्दाख जम्मू कश्मीर में है और इसके सी ओ जो हैं वो काव अहमद खान हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं आगे चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ अजीत जोगी पास इज अवे हमारे छत्तीसगढ़ के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका देहांत हो गया है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ अजीत जोगी हैज़ पासड अवे ए ब्यूरोक्रेटन पॉलिटिशियन अजीत जोगी वॉज ए मास लीडर हु डोमिनेटेड द स्टेट पॉलिटिक्स फॉर लॉन्ग टाइम ही वॉज एन एम फ्रॉम मारवाई सीट इन द करेंट असेंबली जो है बेसिकली ये ब्यूरोक्रेट थे वहां से इन्होंने पॉलिटिशियन का जो है सफर तय किया और ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने और इनका जो है देहांत तो हो गया है छत्तीसगढ़ केम इन टू एग्जिस्टेंस इन नवंबर 2000 एंड अजीत जोगी सर्व एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम नवंबर 2000 हजार टू नवंबर 2003 इन्होंने जो है जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी तब जो है नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक लगभग एक साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री की कमाल संभाली थी चीफ मिनिस्टर अभी करेंट जो हैं छत्तीसगढ़ के वो भूपेश बाघेल हैं और गवर्नर सुश्री अनुसुईया उके हैं आगे चलते हैं वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो कि हर साल ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्ट एवरी ईयर इट इज ऑर्गेनाइज बाई दैस्ट्रियंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू जी ओ इन कोलेबोरेशन विद डब्लू जी ओ फाउंडेशन तो इसको जो ऑब्जर्व किया जाता है वो वर्ल्ड गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है इस साल का जो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का आ, थीम था आ, थीम था वो है गट माइक

हर साल इसको जो ऑब्जर्व करना है वो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे को ये ऑब्जर्व किया जाता है और इसके इसके माध्यम से ये मैसेज दिया जाता है कि कैसे जो है वो इससे बचा जाए इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं इसको डाय इसके डायग्नोसिस के कौन कौन से उपाय हैं इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे वॉज लॉन्च इन 2000 दो uh, हज़ार इसको जो है 2004 से हर साल मनाया जा रहा है और uh, 2020 का जो ये वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे है वो uh, इसका फोर्टी फिफ्थ एनिवर्सरी डे भी है uh, अगर मैं बात कर लूँ डब्ल्यू जी ओ हेड क्वार्टर्स की तो मिलवाकी विश कौनसिन यूएस में है एंड इसको जो है बनाया गया वो नाइनटीन फिफ्टी एट में बनाया गया इसका फॉर्मेशन जो है वो 1958 में हुआ है आगे चलते हैं अपने अगले अगले हेडलाइन की तरफ अगला जो हेडलाइन है वो है केरला से आर श्री रेखा टू फर्स्ट जी डीजीपी आर श्री रेखा को जो है वो केरला के पहले डीजीपी के तौर पे नियुक्त किया गया है आर श्री रेखा विल बी द फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन केरला द केरला गवर्नमेंट अपॉइंटेड हर एज फायर एंड रेस्क्यू सर्विस डीजीपी She is a, uh, इनको जो है वो फायर एंड रेस्क्यू सर्विस डीजीपी के तौर पर फर्स्ट वोमेन आई पी एस ऑफिसर ऑफ केरला प्रजेंटली एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सी करेंटली हेड्स द प्राइस एंड करेल सर्विस डिपार्टमेंट अभी जो है ये कारा विभाग में जो थी वो एडिशनल डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पे थी बट अब जो है इनको प्रमोट कर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है केरला में जो कि पहली महिला डीजीपी होंगी आगे चलते हैं अगले हेडलाइन की तरफ अगला हेडलाइन जो है वो है थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स आइडेंटिटी आइडेंटि ड्यू टू कोविड नाइन्टीन थर्टी सिक्स नेशनल गेम को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड नाइन्टीन के चलते द थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स प्लान फॉर अक्टूबर नवंबर इन गोवा जिसको अभी कोविड uh, नाइन्टीन महामारी के चलते uh, इसको जो है कैंसिल कर दिया गया है कमिटी टू कन्वे सोशल इवेंट इन सेप्टेम्बर इंड

वो जो है वो डिसाइड किया जाएगा बट उससे पहले जो है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो है वो गाइडलाइन गाइडलाइन क्या आता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे अगर मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट की बात कर लूँ तो इसके प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा है एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है तो आज हम अपने सेशन को यहीं विराम करेंगे बट इससे पहले आप लोगों का सजेशन मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपके सजेशन के अकॉर्डिंग ही हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं सो so प्लीज़ आप लोग अपने सजेशन को देना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करके और हमें सजेशन को दें ताकि और भी बेहतर हम इस इस वीडियो को आपके लिए बना सकें दूसरा ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम और भी बेहतर वीडियो को बना सकें दूसरा ये कि अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो इस चैनल को अभी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं इसके वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है और साथ ही साथ जो बेसिक कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं कोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बीच में एक दो दिन इंटरप्ट हो जाता है बिक ज बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज तो उसके लिए हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं uh, कि uh, वो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं इसके लिए ऑलरेडी एपोलोजाइज बट हमारी कोशिश रहती है कि हमारा वीडियो हर दिन अपलोड हो uh, तो चलिए हम इसी के साथ अपने सेशन को uh, विराम देते हैं इंद करते हैं फिर कल हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद बाय बाय एंड टेक केयर